हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको ये जैकेट बनाना सिखाऊंगी। ये शॉर्ट जैकेट है हाफ, और इसकी जो चेस्ट है वो 36 है, और इसके लिए मैंने क्रोशिया 3.50 mm का यूज़ किया है और यार्न 4-ply। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, ये जो मैंने बनाई है स्वेटर हाफ, इसको हाफ बना सकते हैं, फुल स्लीव्स भी बताऊंगी मैं इसमें आगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें बनाई है 97 चेंस। तो यहाँ पे जो पैटर्न है वो है 8 के मल्टीपल +1 का है। वैसे तो ये 4 के मल्टीपल का पैटर्न है, लेकिन अगर आप 4 के मल्टीपल लेंगे तो हो सकता है कि आपके ऑड जो पैटर्न है वो ऑड आ जाएँ, इसलिए मैं आपको 8 के मल्टीपल कह रही हूँ। तो आपको 8 के मल्टीपल चैन बनानी है और उसमें एक चैन और प्लस करनी है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको पैटर्न बता रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे कम चेंस बना रही हूँ। उसमें मैंने 97 चेंस बनाई हैं। तो अगर आप कोई और साइज़ बना रहे हैं तो अपने गले का नाप लीजिए, 8 के मल्टीपल चेंस बनाइए और उसमें एक चैन और प्लस कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कम ही चैन बना रही हूँ। पहले मैं बना लेती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 57 चैन बनाई हैं, 56 तो 8 के मल्टीपल +1। तो देखिए, अब एक ये फर्स्ट वाली चैन छोड़ेंगे और सेकंड वाली जो चैन है इसमें सिंगल स्टिच बनाएंगे। तो ये जो फर्स्ट रो है इसमें हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाना है। ठीक है, तो मैं इसको बना लेती हूँ लास्ट तक। तो देखिए, सेकंड रो बनाएंगे, चैन 3 बनाएंगे, 1, 2, 3, और इस तरफ पलट जाएंगे। और ये फर्स्ट, ये यहाँ पे देखिए, ये तो फर्स्ट स्टिच है, हमने एक छोड़ना है और इसमें हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। सेकंड वाले में यहाँ पे चैन 2 और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से हम 2 स्टिच छोड़ेंगे, 1, 2, और जो थर्ड वाला है उसमें 1 डबल क्रोशिया, चैन 2 और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने 1 स्टिच छोड़ा है, देखिए ये तो हमारा फर्स्ट स्टिच था चैन 3 और हमने 1 स्टिच छोड़ा था। अब 2 स्टिच छोड़ेंगे, 1, 2, और जो थर्ड वाला है उसमें 1 डबल क्रोशिया, चैन 2 और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये बनाते हुए मैं लास्ट में आ जाती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए रो के लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पे हमारा 1 ही स्टिच बचा है, लास्ट वाला स्टिच ये है। तो यहाँ पर इस स्टिच को छोड़ेंगे और जो लास्ट वाला है उसमें 1 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो देखिए, जब आप 97 चैंस बनाएंगे तो ये जो आपके ये जो पैटर्न बनेंगे वो 32 बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो 18 बने हैं लेकिन 32 बनेंगे आपके। अब देखिए क्या करेंगे, फिर से चैन 3 बनाएंगे, ये थर्ड रो है, 1, 2, 3, इस तरफ पलट जाएंगे और ये जो स्पीसेस हैं इसमें हमें बनाना है 2 डबल क्रोशिए, 1, 2, चैन 1 बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिए और बनाएंगे, 1, 2। फिर देखिए नेक्स्ट वाले में आ जाएंगे और इसमें भी 2 डबल क्रोशिए, चैन 1 बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिए बनाएंगे। तो इसी तरीके से बनाते हुए लास्ट में आ जाती हूँ। ठीक है, तो देखिए ये रो के लास्ट में आ गए, तो यहाँ पे हमने 1, 2, 3 चैन बनाई थी। तो ये देखिए थर्ड वाली जो चैन है इसमें हम 1 डबल क्रोशिया बना देंगे। ठीक है, ये 1, 2, 3 थर्ड वाली रो है। अब फोर्थ वाली रो बनाएंगे, चैन 3 बनाएंगे, इस तरफ पलटेंगे और देखिए ये जो स्पेस है चैन 1 का इसमें हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिए, 1, 2, 3, चैन 1 और 3 डबल क्रोशिए, 1, 2, 3। फिर देखिए नेक्स्ट वाले चैन 1 के स्पेस में आ जाएंगे, यहाँ पे भी 3 डबल क्रोशिए, 1, 2, 3, चैन 1 बनाएंगे
और 3 डबल क्रोशिए और बनाएंगे, 1 2 3। तो इसी तरीके से इस रो को पूरी को हम लास्ट तक बना लेंगे। तो ये देखिए 4th वाली रो लास्ट तक हमने बना ली है। अब देखिए जो चैन 3 हमने बनाई थी ये स्टार्टिंग में, इसकी ये इस वाली रो में, इसकी 3rd वाली चैन में स्लिप सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी 3rd वाली जो चैन है ठीक है, अब 1 2 3 4 5th वाली रो बनाएंगे। आप यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 इस तरफ पलट जाएंगे। अब देखिए ये फर्स्ट वाला स्टिच, ये यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया है, यहाँ पे फर्स्ट वाला स्टिच छोड़ेंगे, जो सेकंड वाला है इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और देखिए इसमें भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो चैन 1 का स्पेस है इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी चैन 1 बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया इसमें और बनाएंगे ठीक है। अब ये पैटर्न हमारा इस तरीके से ही आगे चलेगा, तो आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वाले स्टिच में स्टिच बनाएंगे, इसमें स्टिच बनाएंगे। अब देखिए ये जो बीच के 2 स्टिच हैं इनको छोड़ देंगे, और ये देखिए ये लास्ट वाला हमने इसका छोड़ा, फर्स्ट वाला इसका छोड़ा। अब इसके सेकेंड और 3rd वाले स्टिच में स्टिच बनाएंगे, और जो चैन 1 का स्पेस है इसमें 1 डबल क्रोशिया, चैन 1 बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे ठीक है। अब देखिए वापस से ये जो 2 स्टिच हैं इनमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2। अब ये जो बीच के 2 स्टिच हैं इन दोनों के, ये फर्स्ट और ये इसका लास्ट इसका फर्स्ट, इन दोनों को छोड़ेंगे और ये सेकंड 3rd में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से इस रो को पूरा करना है, तो इसको मैं पूरा कर लेती हूँ। तो ये देखिए 1 2 3 4 5th वाली रो के लास्ट में आ गए। अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा लास्ट वाला स्टिच है और ये चैन 3 है ठीक है। ये लास्ट वाला स्टिच है और ये हमने स्टार्टिंग में चैन 3 बनाई थी वो है, तो ये जो लास्ट वाला स्टिच है इसको छोड़ देंगे और जो 3rd वाली चैन है इस पर 1 डबल क्रोशिया बना देंगे। और देखिए 6th वाली रो बनाएंगे, 6th वाली रो सेम इसी तरीके से बनानी है। देखिए चैन 3 बनाएंगे, इस तरफ पलट जाएंगे, और देखिए ये फर्स्ट वाला स्टिच छोड़ेंगे, सेकंड और 3rd वाले स्पेस में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये फर्स्ट हमने स्टिच छोड़ दिया, सेकंड में बनाया 1 डबल क्रोशिया, 3rd वाले में बनाया। अब जो चैन 1 का स्पेस है इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और वापस इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे ठीक है। और फिर देखिए ये दोनों में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, और ये बीच के 2 स्टिच छोड़ेंगे, और ये देखिए 3rd और ये 4th वाला है। ये देखिए ये 2 स्टिच छोड़ दिए और इसमें स्टिच बनाया। अब ये जो चैन 1 का स्पेस है इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये 2 स्टिच हैं इनमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर ये 2 स्टिच छोड़ देंगे और फिर इन दोनों में बनाएंगे। तो इसी तरीके से इस रो को भी मैं पूरा बना लेती हूँ। तो ये देखिए 6th वाली रो के लास्ट में आ गए हैं, ये वाला स्टिच छोड़ेंगे और ये जो चैन 3 हमने बनाई थी तो इसकी 3rd वाली चैन पे 1 डबल क्रोशिया बना देंगे ठीक है। 7th वाली रो बनाएंगे, इसमें हम इंक्रीज करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3, इस तरफ पलटेंगे। अब देखिए फर्स्ट वाला स्टिच हम छोड़ेंगे, सेकंड वाले पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3rd वाले पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे,
अब देखिए जो चैन वन का स्पेस है, जब हमने स्टिच नहीं बढ़ाए थे तो इसमें एक वन डबल क्रोशिया चैन वन, वन डबल क्रोशिया बनाया था। अब जब हम स्टिच बढ़ाएंगे तो इसमें हम बनाएंगे टू डबल क्रोशिए, वन टू चैन वन और टू डबल क्रोशिया, वन टू, ठीक है। अब देखिए ये फर्स्ट और सेकंड पे वन वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू, ठीक है। और कोई चेंज हमने नहीं किया है, बस ये जो चैन वन का स्पेस है इसमें टू डबल क्रोशिया चैन वन टू डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब देखिए फिर से ये दो स्टिच छोड़ेंगे और बीच के दो इस वाले जो पेटल है इसका लास्ट वाला, इसका फर्स्ट वाला, और देखिए ये वन डबल क्रोशिया चैन वन, और देखिए ये जो स्पेस है इसमें टू डबल क्रोशिया चैन वन और टू डबल क्रोशिया, ये देखिए ये नीचे ये सॉरी ये दो लास्ट वाले स्टिच हैं, ये दो स्टिच हैं, इनमें एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बीच के दो स्टिच छोड़ेंगे और इन दोनों में स्टिच बनाएंगे, चैन वन के स्पेस में टू डबल क्रोशिया चैन वन टू डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस रो को मैं बना के लास्ट में आ जाती हूँ। तो ये देखिए सेवन्थ वाली रो के लास्ट में आ गए हैं, ये लास्ट वाला स्टिच है इसको छोड़ देंगे और जो थर्ड वाली चैन है उसमें वन डबल क्रोशिया बना देंगे। अब बनाएंगे एट्थ वाली रो, चैन थ्री बनाएंगे, इस तरफ पलट जाएंगे। अब इस रो में हम स्टिच नहीं बढ़ाएंगे, फिर से देखिएगा आप, फर्स्ट वाला स्टिच छोड़ेंगे कि हमने छोड़ा, सेकंड वाले में वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, थर्ड वाले में वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, फोर्थ वाले में वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो चैन वन का स्पेस है इसमें वन डबल क्रोशिया चैन वन और वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए यहाँ से वन टू थ्री में वन वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री, और ये देखिए ये बीच के दो स्टिच छोड़ेंगे और फिर यहाँ से ये देखिए ये लास्ट वाला इसका फर्स्ट वाला, यहाँ पे थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री, और जो चैन वन का स्पेस है इसमें वन डबल क्रोशिया चैन वन और वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम दो स्टिचों में वन वन डबल क्रोशिया बनाए थे, फिर यहाँ पे अब यहाँ पे हमारे स्टिच बढ़ गए हैं इस रो में, तो यहाँ पे हमने वन टू थ्री में वन वन डबल क्रोशिया बनाया, चैन वन के स्पेस में वन डबल क्रोशिया चैन वन वन डबल क्रोशिया बनाया। जहाँ हम स्टिच बढ़ाएंगे वहाँ पे इसमें हम टू डबल क्रोशिया चैन वन टू डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस रो को मैं बना लेती हूँ लास्ट तक। तो ये देखिए एट्थ वाली रो के लास्ट में आ गए, ये लास्ट वाला स्टिच है और जो थी चैन बनाई थी उसकी थर्ड वाली चैन में एक वन डबल क्रोशिया बना देंगे। अब देखिए नाइन्थ वाली रो बनाएंगे, चैन थ्री, और देखिए फर्स्ट वाला स्टिच छोड़ेंगे, इसमें फिर से स्टिच बढ़ाएंगे, फर्स्ट वाला स्टिच छोड़ेंगे और ये वन, सेकेंड वाले में, थर्ड वाले में वन डबल क्रोशिया, फोर्थ वाले में वन डबल क्रोशिया। अब देखिए ये जो चैन वन का स्पेस है इसमें टू डबल क्रोशिए, वन टू चैन वन बनाएंगे और टू डबल क्रोशिए और बनाएंगे, वन टू। फिर देखिए यहाँ से ये वन टू, ये थ्री स्टिच बनाएंगे, और देखिए ये फर्स्ट, ये देखिए ये वाला स्टिच छोड़ देंगे और यहाँ पे वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री, और ये जो चैन वन का स्पेस है इसमें टू डबल क्रोशिया वन टू चैन वन बनाएंगे और टू डबल क्रोशिया और बनाएंगे, वन टू।
फिर यहाँ से थ्री स्टिच में वन वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री, फिर से बीच के दो स्टिच छोड़ेंगे और इसी तरीके से इस रो को मैं लास्ट तक बना लेती हूँ। तो ये देखिए नाइन्थ वाली रो के लास्ट में आ गए, ये लास्ट वाला स्टिच छोड़ेंगे और जो चैन थ्री है उस पर वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए चैन थ्री बनाएंगे, अब ये टेंथ वाली रो है हमारी, इस तरफ पलटेंगे, ये देखिए फर्स्ट वाला स्टिच छोड़ेंगे और ये वन टू थ्री और ये जो फोर्थ वाला स्टिच है इस पर वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने फोर स्टिच बना लिए, अब ये जो चैन वन का स्पेस है इसमें वन डबल क्रोशिया, चैन वन और वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। और देखिए ये जो नेक्स्ट फोर स्टिच है वन टू थ्री फोर, इन पर वन वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री फोर, फिर बीच के दो स्टिच छोड़ेंगे, नेक्स्ट फोर पे वन वन डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो चैन वन का स्पेस है उसमें वन डबल क्रोशिया, चैन वन, वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो इस रो को भी मैं लास्ट तक बना लेती हूँ। तो ये देखिए टेंथ वाली रो के लास्ट में आ गई, ये देखिए लास्ट वाला स्टिच है इसको छोड़ देंगे और इसमें वन डबल क्रोशिया बना देंगे। ठीक है, अब ये इलेवंथ वाली रो है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेंथ। अब इलेवंथ वाली रो है, इसमें हम आर्म होल और बॉडी पार्ट को डिवाइड करेंगे, चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री और इस तरफ पलट जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम कोई स्टिच नहीं बढ़ाएंगे, इसमें यहाँ पे हमारे पास जो ये पैटर्न है देखिए 32 हैं, ये जो पैटर्न है वो 32 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट वाला स्टिच छोड़ेंगे, वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट फोर में वन टू थ्री फोर, चैन वन के स्पेस में वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन वन बनाएंगे और वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ से फोर स्टिच में वन वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन वन टू थ्री फोर, फिर देखिए इस ये बीच के दो स्टिच छोड़ देंगे और यहाँ पे सेम इसी तरीके से बनाएंगे। तो ये हम फोर बना लेंगे, फोर जो पैटर्न है ये बना लूँगी, ये फर्स्ट है और मैं फोर बना लेती हूँ टोटल अभी यहाँ से। तो ये देखिए यहाँ से मैंने वन टू थ्री फोर बना लिया, अब ये फिफ्थ वाला है, यहाँ से हम ये देखिए फिफ्थ वाले को आधा बनाएंगे। तो यहाँ से हमने फर्स्ट ये दो स्टिच छोड़े, ये वन डबल क्रोशिया, वन टू थ्री फोर। ठीक है, अब ये चैन वन का स्पेस आ गया यहाँ पे, तो चैन वन के स्पेस में बनाएंगे वन डबल क्रोशिया, चैन वन और वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम बनाएंगे एट चैंस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ठीक है, अब देखिए ये वाला हमने छोड़ा, ये तो हमारा है ही है, इसके बाद देखिए यहाँ पे सिक्स छोड़ेंगे, ये भी इसको इसके अलावा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये देखिए जो सेवन्थ वाला है। ठीक है, इसका जो चैन वन का स्पेस है इसमें वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन वन बनाएंगे और वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, और फिर देखिए वापस से वही पैटर्न बनाना है हमें, ये जो नेक्स्ट फोर स्टिच है इनमें वन वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, फोर बीच के दो छोड़ेंगे, बीच के दो स्टिच छोड़ेंगे,
वन टू और ये नेक्स्ट फोर बनाएंगे, वन टू थ्री फोर, चैन वन के स्पेस में वन डबल क्रोशिया, चैन वन और वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए यहाँ से फोर स्टिच बनाएंगे, वन टू थ्री फोर, ठीक है। फिर बीच के दो स्टिच छोड़ेंगे, तो ये इसके अलावा हम एट बना लेंगे। फिर नाइन्थ वाला होगा उसमें हम दूसरा आर्म होल के लिए स्पेस बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये बैक के हमने यहाँ पे ये वाला इसको छोड़ के हम देखिए ये हमने इसमें यहाँ पे सिक्स छोड़े थे और सेवन्थ वाले में ये बनाया था। आर्म होल के लिए हमने सिक्स छोड़े और सेवन्थ वाले में ये बनाया। उसके बाद हमने यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये जो पेटल हैं वो बना ली हैं। अब ये जो नाइन्थ वाला है इससे फिर हम सेकेंड वाला आर्म होल के स्पेस बनाएंगे। तो देखिए ये दो बीच के स्टिच छोड़ेंगे, टू थ्री ये फोर वाला स्टिच है, इसमें वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो चैन वन का स्पेस है इसमें वन डबल क्रोशिया, चैन वन और वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस यहाँ पे भी हमने एट चैंस बनाई थी इस आर्म होल के लिए, तो यहाँ भी एट चैंस ही बनाएंगे। एट चैंस में हम ये जो इसका बाकी का पैटर्न है वो बनाएंगे जब आगे वाली रो में। तो देखिए यहाँ पे एट चैन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है। फिर यहाँ से हम ये सिक्स छोड़ेंगे इसके अलावा, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये जो सेवन्थ वाला है इसका जो चैन वन का स्पेस है ये बीच वाला, इसमें वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन वन बनाएंगे और वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए यहाँ से इस तरीके से ये जैसे हम बना रहे थे वैसे ही बनाना है इसे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इसके अलावा फोर पेटल बची हुई हैं, वन टू थ्री फोर, ठीक है। तो ये फ्रंट की फोर फोर हो गई और हाफ आधी आगे की तरफ रही, फोर एंड हाफ आगे की तरफ है दोनों तरफ दोनों तरफ। और ये एट और ये देखिए आधा ये वाला हिस्सा, आधा ये पैटर्न एट के अलावा और आधा ये वाला पैटर्न यहाँ पीछे की तरफ है, ठीक है। तो बराबर दोनों की तरफ जितने स्टिच आगे हैं उतने ही सेम पीछे की तरफ है। अब देखिए यहाँ से बीच के दो स्टिच छोड़ेंगे और यहाँ पे वन डबल क्रोशिया फोर स्टिच में, ये जो चैन वन का स्पेस है इसमें वन डबल क्रोशिया, चैन वन वन डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये फोर स्टिच बनाएंगे, वन टू थ्री फोर। फिर बीच के दो स्टिच छोड़ेंगे और इसी तरीके से ये रो को मैं लास्ट तक बना लेती हूँ। ये इलेवंथ वाली रो है, तो ये देखिए ये इलेवंथ वाली रो, वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, इलेवंथ वाली रो है जिसमें हमने आर्म होल और बॉडी पार्ट को अलग अलग किया है। अब देखिए ट्वेल्व वाली रो बनाएंगे, चैन थ्री बनाएंगे, इस तरफ पलट जाएंगे, फर्स्ट वाला छोड़ेंगे स्टिच और ये सेम वैसे ही रो बनेगी जैसे हम पहली वाली जो दो रो बनाई है हमने, ये जहाँ तक हमने चैन बनाई है वहाँ तक हमें ये पैटर्न वैसे का वैसा ही बनाना है जैसा बना रहे थे। ये चैन वन के स्पेस में वन डबल क्रोशिया, चैन वन डबल क्रोशिया बनाएंगे और देखिए यहाँ पे वन टू थ्री फोर स्टिच बनाएंगे।
और बीच के दो स्टिच छोड़ेंगे इस तरीके से। मैं बना के ला यहाँ चैन जहाँ हमने चैन्स बनाई हैं, ये देखिए यहाँ पे आ जाती हूँ। तो ये देखिए ये चैन वन के स्पीस में आ गए, ये जहाँ पे हमने चैन्स बनाई थी इससे जस्ट पहले वाला जो चैन वन का स्पीस है यहाँ आ गए हैं। इसमें वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन वन बनाएंगे और वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो नेक्स्ट वाला स्टिच है इस पर वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इस पर वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट वाले स्टिच में ये जो चैन है इसमें चैन के अंदर आपको स्टिच बनाना है, टू थ्री फोर, ये हमारे टोटल फोर स्टिच हो गए। यहाँ पे हमने चैन थ्री चैन पे वन वन डबल क्रोशिया बनाया है। तो ये देखिए एक स्टिच हमने यहाँ बनाया है, उसके बाद थ्री चैन में वन वन डबल क्रोशिया बना लें। अब देखिए यहाँ से वन टू स्टिच छोड़ेंगे और जो थर्ड वाला है दो स्टिच छोड़ेंगे, थर्ड वाले में वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर देखिए नेक्स्ट में वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये नेक्स्ट लास्ट वाले में ये तीन चैन यहाँ पे हैं उनमें वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। और देखिए यहाँ से फिर ये जो वाला स्टिच है देखिए हमने यहाँ पे थ्री डबल क्रोशिया बनाए, दो चैन को गैप किया, फिर यहाँ पे थ्री डबल क्रोशिया बनाए। अब ये जो स्टिच है ये वाला जो स्टिच है इस पर वन डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो चैन वन का स्पीस है इसमें वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन वन बनाएंगे और वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यही पैटर्न सेम तरीके से बनाएंगे और बनाते हुए मैं यहाँ पे आ जाती हूँ वापस से। तो ये देखिए दूसरे वाले आर्म होल की तरफ आ गए हम यहाँ पे, और ये जो चैन वन का स्पेस है इसमें वन डबल क्रोशिया, चैन वन, वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। और देखिए जो नेक्स्ट वाला स्टिच है वन डबल क्रोशिया है, इस पर वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने एट स्टिच बनाए थे तो थ्री डबल क्रोशिया, ये थ्री चैन पे थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री। अब देखिए बीच के दो स्टिच छोड़ेंगे, वन टू दो चैन छोड़ेंगे, वन टू, और जो नेक्स्ट थ्री हैं उन पे वन वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री। फिर देखिए यहीं से जो पैटर्न हम बना रहे थे ये देखिए ये वाले स्टिच पे वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन वन के स्पेस में वन डबल क्रोशिया, चैन वन और वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर देखिए ये जो पैटर्न हमारा बन रहा था सेम वही आपको बनाना है लास्ट तक, ठीक है। जैसा हम बना रहे थे वैसे बनाते हुए यहाँ आ जाएंगे। तो ये देखिए ये 12 रो बना ली हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गई हैं, 13 वाली बनाएंगे। इसके बाद हम सेम ही बनाएंगे, अगर आपको इसमें घेर बढ़ाना है, आपको इसका इंक्रीज़ करना है, आपको इसमें थोड़ा घेर चाहिए तो आप जैसे हम यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहे थे वैसे ही आप कुछ रोज दो या तीन रो के बाद इंक्रीज़ करके इसको थोड़ा घेर इसका इंक्रीज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम यही वाली रो बनाएंगे। फिर जो हम इसमें बनाइए चैन थ्री बनाएंगे, टर्न हो जाएंगे, फर्स्ट वाला स्टिच छोड़ेंगे और ये इसी तरीके से जैसे हम बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। फिर मैं आपको आर्म होल के पास आके बताती हूँ, वैसे भी तो वहाँ पे भी सेम ही बनेगा और अगर तब भी एक बार मैं आपको बता दूँगी। वन डबल क्रोशिया, चैन वन, वन डबल क्रोशिया, देखिए यहाँ से ये सेम स्टिच इसी तरीके से बनाते हुए यहाँ आर्म होल पे आ जाती हूँ मैं, ठीक है, ये आर्म होल पे।
तो ये देखिए आर्म होल पे आ गए हम यहाँ पे। देखिए ये जो चैन वन का स्पेस है, यहाँ पे वन डबल क्रोशिया, चैन वन, वन डबल क्रोशिया बनाया है। तो यहाँ पे हमारा वैसे ही पैटर्न बनेगा क्योंकि ये पैटर्न पूरा हो गया है। यहाँ पे हमने उतने ही स्टिच बनाए थे जिससे ये दोनों पैटर्न पूरे हो जाए। तो देखिए ये वन टू थ्री फोर, ये हमने फोर डबल क्रोशिया बना लिए। ये देखिए ये, अब ये बीच के दो स्टिच हैं वन टू, इनको छोड़ देंगे और ये जो यहाँ से फोर डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री फोर, और ये जो चैन वन का स्पेस है इसमें वन डबल क्रोशिया, चैन वन और वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। और सेम इसी तरीके से दूसरे आर्म होल पे भी बनाना है हमें, और यही रो को हम रिपीट करते जाएंगे लास्ट तक। ठीक है, जितना बना लूँगी फिर मैं आपको आगे बताऊँगी। तो ये देखिए ये आर्म होल के बाद, देखिए यहाँ से ये आर्म होल जब हमने बनाया था उसके बाद से मैंने 21 रो बना ली हैं। तो मैंने इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं रखी है, अगर आपको रखनी है तो आप अपने हिसाब से लंबाई और बढ़ा सकते हैं। अब देखिए एक सिंगल स्टिच की रो बनाएंगे, पूरे राउंड में बनाएंगे, और देखिए उसके साथ ही हम इसमें छोटे छोटे लूप बना देंगे। बटन एक तरफ आप बटन लगा दीजिए और एक तरफ आप तीन लूप बनाऊंगी मैं। इसको थोड़ा सा फैला रहेगा नीचे से, तो शुरू के स्टार्टिंग में ही हम दो तीन लूप बनाएंगे जो बटन स्टार्टिंग के बटन के लिए, और आप चाहें तो पूरे में लगा सकते हैं जैसे आपको सही लगे। ठीक है, तो ये देखिए चैन वन बनाएंगे और ये फर्स्ट, देखिए यहाँ पर हम एक सिंगल स्टिच की रो बनाएंगे। सिर्फ सिंगल स्टिच की ही रो बना रही हूँ, आपको और बटन पट्टी बनानी है आप अपने हिसाब से कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम ये जो चैन्स हैं, ये देखिए यहाँ पे ये जो डबल हम चैन टू बन रही हैं, इनमें हमें एक एक स्टिच बनाना है। सॉरी, चैन थ्री से स्टार्ट किया था हमने, तो ये दो स्टिच आ जाएंगे, लंबी वाली रो है इसमें एक में दो स्टिच आएंगे। तो आपको रो इस तरीके से बनानी है ये वाली, कि ज़्यादा ढीली भी नहीं हो और ज़्यादा टाइट भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए रो। तो अगर आप ज़्यादा स्टिच बना देंगे तो ये फैल जाएगी, और कम स्टिच बनाएंगे तो ये ढीली हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। तो ये बनाते हुए मैं पूरा राउंड में और दूसरी तरफ आ जाती हूँ, जहाँ पर हम पूरा गले पे से बनाते हुए इस तरफ आ जाऊँगी मैं। ठीक है, तो ये देखिए ये वाली जो रो मैंने बनाई थी सिंगल स्टिच की, बनाते हुए हम ये दूसरी गले पे से पूरा बना लिया है, और गले के दूसरी तरफ जस्ट कॉर्नर पे आ गए हैं हम। यहाँ पे हम लूप बनाएंगे बटन के लिए, आप एक तरफ बटन लगा लीजिए और एक तरफ हम लूप बना रहे हैं। जैकेट है, बटन होल नहीं बना रही हूँ मैं, अगर आपको बनाने हैं तो आप बटन पट्टी भी बना सकते हैं। देखिए चैन फाइव बनाएंगे, सिक्स बटन जिस हिसाब से बनाएंगे उतने ही बड़े लूप बनाएंगे। तो मैं सेवन चैन बना लेती हूँ यहाँ पे, ये बिल्कुल कॉर्नर पे आए हुए हैं हम, यहाँ गले के दूसरी तरफ सेवन चैन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और देखिए यहीं पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे फर्स्ट वाले सिंगल स्टिच में। ठीक है, फिर यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाएंगे जैसे बना रहे थे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे, बहुत ज़्यादा पास नहीं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं। फिर थोड़ी रो आगे जाके फिर एक लूप और बनाएंगे, तो दो या तीन जितने आप बनाना चाहें उतने बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक लूप और बना रही हूँ मैं, सेवन चैन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और यहाँ पे वापस सेम स्पेस में हमें स्लिप स्टिच से इसको अटैच करना है। ठीक है, और फिर सिंगल स्टिच बनाएंगे और फिर एक लूप और बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ थ्री ही बना रही हूँ, आप ज़्यादा बनाना चाहें तो ज़्यादा बना सकते हैं। बनाते हुए मैं नीचे की तरफ आ जाती हूँ, यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, तो बनाते हुए यहाँ आ जाते हैं। तो ये देखिए नीचे की तरफ आ गए हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए ये
हर एक स्टिच पे एक एक सिंगल स्टिच बनाना है। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और ये जो चैन 1 का स्पेस है एक सिंगल स्टिच यहाँ बनाएंगे और फिर देखिए यहाँ पे फिर हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाना। ठीक है, चैन 1 के स्पेस में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे और बाकी हर एक स्टिच पे एक एक स्टिच बनाना है। बनाते हुए मैं लास्ट में वहीं आ जाती हूँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो ये देखिए रो के लास्ट में आ गए। यहाँ से हमने चैन 1 और जो फर्स्ट सिंगल स्टिच बनाया था इन दोनों के बीच में हम इसको ये देखिए इस तरीके से स्लिप स्टिच से हटा देंगे। ये देखिए इस तरीके से निकाल देंगे क्रोशियम से और ये जो धागा है उसको स्टिचेस में डाल के और जो एक्स्ट्रा दिखेगा उसको काट दीजिएगा, सुई में डाल के स्टिचेस में डाल दीजिएगा। तो ये देखिए ये मैंने जैकेट बना दी है। मैंने इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, शॉर्ट में बनाई है। अगर आपको लंबी बनानी है तो आप बना सकते हैं। यहाँ पे ये इसके बटन के लूप हैं जो आप इस तरफ बटन लगाएं जिस तरफ भी आपको लगाने हों और उसमें ये इसको अटैच कर सकते हैं, जिससे ये यहाँ पर 3 लगाए हैं मैंने। और जो हमने लास्ट वाली रो बनाई थी वो देखिए यहाँ से स्टार्ट की थी पूरा राउंड में गले पे बनाते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक फिर वापस यहाँ तक बनाई थी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।